असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर आयशा खान ने अचानक लुडन का दौरा किया और किसानों को ब्लैक में महंगे दामों खाद फरोख्त करने वाले दुकानदारों की दुकानों पर छापे मारे। इस दौरान सरकारी रेट से महंगे दामों खाद फरोख्त करने पर अल्ताफ नामी खाद डीलर की दुकान को सील कर दिया, जबकि दीगर कई खाद ब्लैक में फरोख्त करने वाले दुकानदार असिस्टेंट कमिश्नर की खबर सुनकर दुकानें बंद करके भाग गए। तहम असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर आयशा खान ने दीगर कई दुकानों को भी चेक किया। उन्होंने यूनाइटेड प्रेस क्लब लुडन के साफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत पंजाब की हिदायत के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर बिहारी की सरबराही में किसानों को ब्लैक में महंगे दामों खाद फरोख्त करने वाले दुकानदारों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयां जारी रहेंगी। उन्होंने मजीद कहा कि किसानों को सरकारी रेट्स पर हर सूरत खाद की फरामी यकीनी बनाई जाएगी। असिस्टेंट कमिश्नर बिहारी ने मुख्तलिफ मेडिकल स्टोर और लेबॉरेटरियों को भी चेक किया और एक लेबॉरेटरी को सील भी कर दिया।